नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंशु पांडे। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और त्योहारों के सीजन की शुरुआत के साथ ही नवरात्रि भी आने को है। 26 सितंबर से नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा। इस साल 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले आपको कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में अगर बताएं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 3:23 से शुरू होगा और ये 27 सितंबर की सुबह 3:03 तक रहेगा। यानी आपके पास पूरे 24 घंटे का वक्त है कलश स्थापना के लिए। वहीं आपको एक और खास बात बताएं तो इस बार माँ दुर्गा की सवारी हाथी। माँ दुर्गा इस बार नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएंगी। कहा जाता है कि माँ दुर्गा जब हाथी पर सवार होती हैं तो घर धन्य धान्य से भर जाता है। वहीं बारिश भी होती है और किसानों की फसल बहुत अच्छी उगती है। माँ दुर्गा का हाथी पर आना बहुत ही शुभ संकेत है। इससे माना जाता है कि इस बार की नवरात्रि बहुत शुभ होगी और भारत में इस नवरात्रि का बहुत लाभ भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।